स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल. आई होप यू आर गुड, योर फैमिली इज़ वेल एंड यू वेल एज वेल. ओके, सो इन दिस वीडियो वील बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 8, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी. नाउ लेट्स बिगिन विद बिफोर यू रीड. डू यू नो वट इज़ अ डायरी? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे after day over long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. One of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. Here are few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. सो बेसिकली डायरी, जैसे कि आपने 6th 7th में पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, डायरी, यू राइट डायरी डेली. यू कैन राइट योर फीलिंग्स, इमोशंस, योर थॉट. इट इज़ जस्ट लाइक योर फ्रेंड. वट एवर यू फील, वट एवर यू सी इन अ इनफॉर्मल वे यू कैन राइट. ओके, जैसे लेटर्स हैं वो फॉर्मल है, बट इन डायरी यू कैन राइट इनफॉर्मली. सो हेयर दिस इज चैप्टर, और यू कैन से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फेमस डायरी, जो कि एक बुक की तरह पब्लिश भी हुई थी. तो उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स मीन्स कुछ हिस्से लिए हैं उस डायरी के, ऑफ रस्किन बॉन्ड, अ फेमस राइटर. ओके, एंड उस एक्सट्रैक्ट्स में या उस डायरी में क्या था? साइलेंट्स मिरेकल्स ऑफ नेचर. जैसे कि अगर उसको पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के ऐसा लगेगा कि नेचर में कितने मिरेकल्स होते हैं. नेक्स्ट, यू सी सच थिंग्स विच आर बियॉन्ड साइंस, विच आर बियॉन्ड थिंकिंग, बट इट इज़ हैपनिंग नेचुरली. समटाइम्स इट इज़ सो ब्यूटिफुल यू इन्जॉय इट, दैट यू कैन कॉल एज लाइफ लिटिल जॉय. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी अ स्मॉल बर्ड, ओके, देन इट स्लोली ओपन्स इट पैटल्स, देन मोर, देन इट मेक्स अ कम्प्लीट फ्लावर. हेयर वाइल वील बी रीडिंग दिस chapter, you just open your mind, just imagine what is written, and you can easily visualize what it is written by Ruskin Bond and how it is portrayed. Okay, you can easily imagine it. So now it is written also regrets. Regrets kaise? Ki if I say natural beauty, then there is also natural calamities, natural disasters, or some or the another thing जो कि अपन को अच्छी नहीं लगी, that might be regret, that might be a sorrow thing. So let's read the first extract, that is June 24. What is this bold June 24 means? That it is written on date 24 and month is June. So let's read. The first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist come climbing up the hills. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. It is melancholy. Here, melancholy, melancholy, it's melancholy. Melancholy, not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, trees were ringing with the bird song, and now the forest is deathly still, as though it were midnight. So here it is the day when the first day monsoon mist. Now you have to imagine monsoon. Just close your eyes. Just imagine monsoon. Okay. Now first day of monsoon and mist. यहाँ पे जो राइटर है वो क्या है, एक ऑलरेडी हिल स्टेशन पे हैं या हिल्स जैसे सराउंडेड एरिया में, तो वो ये कह रहे हैं, व्हाट इज मिस्ट? नाउ यू कैन राइट डाउन, मिस्ट इज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एंड बेसिकली लिटिल लेस क्लियर देन अ फॉग. जैसे आपने फॉग, कोहरा देखा है, मिस्ट क्या होगा, उससे थोड़ी सी हल्की भी, उसमें भी दिखाई नहीं देंगी. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे मॉनसून में इतना अच्छा वेदर होता है, बट जो मॉनसून मिस्ट आ गई, मॉनसून होता है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट ड्यू टू मिस्ट,
ओके, वो ये कह रहे हैं कि जो आसपास के जो हिल्स थे वो क्या हो गए थे, साइलेंट हो गए थे. कैसे? बिकॉज ऑफ द मिस्ट. सो मेलंकली, मिस्ट को यहाँ पे मेलंकली का है. व्हाट इज मेलंकली? वेरी सैड. द मिस्ट इज कॉल्ड मेलंकली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलंकली. कि जहाँ पे आप मॉनसून में इंजॉय करोगे वेदर, बट ड्यू टू मिस्ट यू कैनॉट सी हिल्स, यू कैनॉट सी बर्ड्स, यू कैनॉट सी अ एरिया नियर यू. सो हियर द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग कि वो क्या कर रही है, कंसील कर लेती है हिल को, मीन्स कवर कर लेती है. मिस्ट जो है वो कवर कर लेगी हिल को. एंड इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंट टू, मीन्स कवर देम इन साइलेंट टू. जब आपको मॉनसून होगा या आपको कोई दिखाई नहीं देगा तो आप जनरली लोगों को बाहर नहीं देखोगे, सब कुछ क्वाइट हो जाएगा. एंड जहाँ पे वो कह रहे थे कि वन आवर अगो, मीन्स जहाँ पे एक घंटे पहले ट्रीज वर रिंगिंग, रिंगिंग मीन्स बर्ड सॉन्ग्स थे वहाँ पे, मीन्स बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग ऑन ट्री. बट जैसे ही मॉनसून, मीन्स मॉनसून के डे में कभी भी बारिश आ सकती है, कह रहे एक घंटे पहले तो इतना प्लेजेंट मौसम था, आपको अगर ट्रीज देख रहे थे तो सुनने में अच्छा लगा था, बट हियर इट इज नाउ वेरी सैड सराउंडिंग्स. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली. लास्ट लाइन डेथली, डेथली मीन्स पेल लाइक, इट इज नॉट प्लेजेंट. ऑल इन शॉर्ट इज जो भी प्लेजेंट सब कुछ वेदर था या सराउंडिंग्स थी या सीनरीज थी, वो जो सीनरी थी बिल्कुल स्टिल हो गई थी, मीन्स रुक गया था. जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्टिल एज, तो स्टिल एज इज सिमली. ओके, जैसे अपन ने अभी सिमली लास्ट उसमें करी थी अपन ने इफ़ आई से इन ग्रामर, तो यहाँ पे कंपेयर करा गया है फॉरेस्ट के साइलेंस को एक स्टिलनेस से. कौन सी स्टिलनेस? जब किसी की डेथ हो जाती है. दो द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, आई कैन हेयर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैनॉट सी हिम. अगेन ड्यू टू मिस्ट ही कैनॉट सी बिजू. बिजू इज माइट बी सर्वेंट, वील बी सींग लेटर. कि वो उनको लग रहा था कि हिल साइड से भागता हुआ आ रहा है और अपनी सिस्टर को बुला रहा है. नाउ जून 25th मीन्स अनदर डे, सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन्स, वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन ऑल ईयर. सो यहाँ पे क्या है कि हाई एल्टीट्यूड मीन्स ऑफकोर्स हाइट पे बात हो रही है, एक हिल स्टेशन की बात हो रही है कि जहाँ पे हमेशा कोल्ड रहता है, बट आज जो अर्ली मॉनसून आया है उसकी वजह से वार्म हो रखा है एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमिडिटी है. द प्लांट सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर इट हैड फ्रॉम द फर्न एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस. सो हेयर नाउ द राइटर इज माइट बी गोइंग टू बैंक और पोस्ट ऑफिस. देयर ही सी दैट अ कोबरा लिली, कोबरा लिली इज अ कॉमन नेम, कि बहुत सारे प्लांट्स को वहाँ पे कोबरा लिली कहते हैं. Rears means here, rear means growing on a fern. Now what is fern? A flowerless plant with the feathery leaf, green leaves. Now here you can see in picture कि जो leaves हैं वो feathery होंगी, means thick होंगी, might be उनके ऊपर small small hairs भी होंगी. तो ये कह रहे हैं कि एक green leafy चीज़ में से वो एक if I again show you, यस, कि एक बड सिर्फ स्टार्ट हुआ है रेयर होना, मीन्स ग्रो कर रहा था वहाँ पे. नेक्स्ट लाइन, द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी. मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी मीन्स कि जब मिस्ट होती है तो वहाँ पे क्या होगी, उनको प्रिवेसी से कंपेयर करा गया. अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड All I could say was a paradise might have been. So here it is said ki when he was walking, then upon being asked by a school boy, author says what school boy asked ki how you can describe hill station, valleys, might be atmosphere.
तो उसका आंसर क्या था, अ पैराडाइज माइट हैव बीन, इट मीन्स, ओके जो लास्ट लाइन है पैराडाइज माइट हैव बीन, इट मीन्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन द हिल स्टेशन एंड वैली मस्ट फील हेवनली विच इज़ वाई इट इज़ रेफर्ड टू हेवनली और हेवन, पैराडाइज मीन्स हेवन, कि वो जो वहाँ की वैली है, हिल्स है, वो उस समय उनको कह रहा है कि वो एकदम पैराडाइज जैसे हैं। नाउ अ डे आफ्टर, नॉट 26 जून, इट इज़ 27 जून, इट इज़ रिटन बाय हियर, द रेन्स हैव हर्डल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। सो नाउ एज द रेन कम, अपन अपने यहाँ पे भी देखते हैं कि जब बारिश होती है वी सी मॉस्किटोज, वी सी अर्थ वॉर्म, वी सी ग्रास हॉपर्स एंड मैनी अदर वॉर्म्स। सिमिलरली देयर एज इट इज़ अ हिल स्टेशन, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि विजिटर्स मीन्स वो सिर्फ उस टाइम पीरियड में ही आते हैं, कि लेपर्ड उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे देखा एंड सेवरन थाउजेंड लीचेस। वॉट आर लीचेस? यू कैन से वाटर वर्म्स विच आर विच डू ब्लड सकिंग, ओके। नेक्स्ट लाइन, यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम द नियर सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल इन द इवनिंग, ओके जस्ट आई सी हर्डल्ड, सो ओके वी मिस दिस वर्ड हर्डल्ड। हर्डल मीन्स अनाउंस और ब्रॉट द न्यूज ऑफ, कि जैसे ही रेन आई है वैसे ही वो अपने साथ क्या लाई है, कुछ लेपर्ड्स या थाउजेंड विजिटर्स और लीचेस। सो लेट्स कंटिन्यू, यस्टरडे आफ्टरनून लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम द नियर सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल इन द इवनिंग, इट अटैक्ड वन ऑफ द बिजू'स काउस बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजू'स मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। नाउ हियर ऑथर एक्सप्लेन्स कि वन आफ्टरनून या यस्टरडे आफ्टरनून मीन्स ऑन 26 जून, ही सेज कि लेपर्ड ने किसी एक वहाँ पे जो काओ है और डॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग को तो वहाँ से वो ले गया लेपर्ड, एंड उसने ट्राई भी करा कि वो बीजू की कोई काओ पे अटैक कर सके, बट ड्यू टू बीजूज मदर हु वाज स्क्रीमिंग की अबाउट द लेपर्ड आउट ऑफ स्केयरनेस, तो वो उनकी जो काव है वो बच गई। इम्प्रिक्रेशन मीन्स कर्सेस, मीन्स वो इस तरीके से शाउट कर रही थी, कर्स मीन्स किसी को बद्दुआ देना, तो यहाँ पे वो लेपर्ड के डर की वजह से चीख रही थी, जनरली कर्स नहीं दे रहे थे, बट वो माइट भी इतनी इंटेंसिटी से बोल रही थी कि वो लेपर्ड भाग गया और उनकी जो बीजू की काव है वो बच गई। नेक्स्ट लाइन, एज फॉर द लीचेस आई शैल सून गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। सो वॉट इज ब्लड लेटिंग? लूजिंग ब्लड। डिकेड्स अगो लीचेस वर यूज टू रिमूव ब्लड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड अबाउट लेपर्ड, नाउ ही सेइंग दैट कि मुझे यूज टू हो जाना चाहिए इन लीचेस के बारे में, क्यों? क्योंकि मेरे को ये समझ जाना चाहिए कि कभी ना कभी एक ना एक दिन ब्लड लूज होगा, माइट बी फ्रॉम द पर्सन, माइट बी फ्रॉम द एनिमल्स। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनी वेट्स, द फीमेल एंड येलो, फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैनॉट कंसील देमसेल्फ, ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्यूटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, अलॉन्ग कम अ पेयर ऑफ ड्रैगोस एंड अननेसेसरली अग्रेसिव चेजिंग द मिनीवेट्स अवे। सो नाउ वट आर स्कारलेट मिनीवेट्स? ब्राइट रेड बर्ड्स लाइक कुकू, जैसे कुकू बर्ड होती है वैसे ही स्कारलेट्स होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वेन इट इज़ मॉनसून इट इज़ सो जॉयफुल, दे आर सो प्लेजेंट, मीन्स दे आर आइस के लिए एक ट्रीट थी कि उन बर्ड्स को, रेड बर्ड्स को एक लीव्स पे बैठे देखना, फ्लिटिंग करना, फ्लिटिंग मीन्स मूव ईजिली वेरी स्विफ्टली, वो उन लीव्स के ऊपर बैठे हुए थे और वो ऐसा लग रहा था कि एक ब्रिलियंट ज्वेल्स हो, मीन्स यू कैन से प्रीशियस स्टोन्स, जो देख के बहुत अच्छे लगते हैं, कितने ग्लिटरी होते हैं। सिमिलरली वो बर्ड्स को
कंपेयर कर रहे थे। एंड वो नेक्स्ट वो कहते हैं ड्रोंगोस भी आते हैं इन ड्यूरिंग मॉनसून। व्हाट आर ड्रोंगो? अ सॉन्ग बर्ड विद अ स्टाउट बिल, अ सॉन्ग बर्ड। सो इट इज़ अ बर्ड विच इज जो उनकी आवाज़ होती है वो बहुत स्वीट होती है। एंड उनकी जो बिल होती है, बिल व्हाट इज अ स्टाउट बिल, उनकी बीक बहुत छोटी होती है। सो लेट्स सी। एंड वो ये कह रहे हैं कि बर्ड्स जो थी वो अपने आप को कंसील नहीं कर सकती थी, मींस अपने आप को छुपा नहीं रखती थी, वो इंजॉय कर रहे थे। और जितना भी ये नेचर का जो भी ट्रीट थी, ओके, इट इज़ अ नेचर ट्रीट कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। जो जनरली ट्रीट होती है वो ह्यूमन प्लान करता है, बट इट इज़ नेचर ट्रीट कि मॉनसून आना, एवरी थिंग इज़ सो ग्रीनली, न्यू फ्लावर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स। सो सिमिलरली वो क्या कर रहे थे, जो बर्ड्स थे दूसरे बर्ड्स, वो मिनी वेट्स को चेज कर रहे थे। चेजिंग मीन्स उनको भगा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ ट्री क्रीपर्स मूव रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, देर इज नो ड्रेथ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरियस बर्ड। लास्ट वर्ड इज इंसेक्टिवोरियस। व्हाट आर इंसेक्टिवोरियस? Here you can write down, insectivores are the birds which feed on insects and worms. ऐसी birds जो कि सिर्फ insects and worm खाती हैं। What is the meaning of dearth? Dearth is lack of something. Creeper, यहाँ पर क्या है, generally creeper का meaning क्या होता है, which move along the ग्राउंड। वो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो वॉल के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्री के साथ क्रीपर कैसे होगा कि ट्री की जो ट्रंक है, ओके, द मेन पार्ट ऑफ द ट्री, उस ट्रंक के साथ साथ उनकी ट्री की क्रीपर्स ब्रांचेस वो साथ में ऊपर बढ़ रही थी ड्यू टू मॉनसून। हेयर इट इज रिटन स्नैपिंग, टेक समथिंग क्विकली और ईगरली। सो नाउ जब जो ओक ट्री था उसके जो क्रीपर्स उसी के ट्रंक के साथ ही ऊपर चढ़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने साथ इंसेक्ट्स को भी ले रहे थे। माइट बी स्टिकी होता है तो इसलिए चिपक भी रहे हो। एंड वो अब ये कह रहे हैं कि अब जब रेन आ चुकी है तो यहाँ पे कोई भी जो बर्ड है वो कभी ड्रेथ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, उनको खाने की कमी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ का एग्जांपल दिया कि इफ वी हैव सीन रेनी सीजन वी सी लॉट्स ऑफ वर्म, मॉस्किटोज, अर्थवर्म। सिमिलरली इट इज़ रिटन कि जैसे ही रेन आई है सडनली वो बर्ड्स के लिए एक ट्रीट हो जाएगी। सो बेसिकली इट इज़ अ नेचर ट्रीट टू, वेदर इट इज़ ह्यूमन, वेदर इट इज़ एनिमल्स और बर्ड। सो these are some little miracles of nature which we and you also enjoy. So we end this video here. We'll be doing second part of this chapter in next video. Thank you so much. Stay safe.